नमस्कार, बोल्स्काय में आप सभी का स्वागत है। पीरियड्स में ब्लीडिंग से निपटने के लिए पहले कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था, वहीं आजकल ढेरों सुरक्षित ऑप्शन मौजूद हैं। आजकल सैनिटरी पैड्स के अलावा मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पोन्स का यूज बढ़ता जा रहा है, जो नैपकिन की तरह ही काम करता है। जिन महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है, उनके लिए टैम्पोन्स बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन टैम्पोन लगाने के समय की गई एक गलती प्राइवेट पार्ट को नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो आइए जानते हैं टैम्पोन से जुड़ी कुछ खास बातें। दरअसल अविवाहित लड़कियां इसे इस्तेमाल करने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हाइमन रप्चर होने की संभावना रहती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इससे लड़कियां अपनी वर्जिनिटी खो देंगी। मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पोन हाइमन खोल सकते हैं। हाइमन उतक का एक पतला टुकड़ा होता है जो योनि के अंदर होता है। हालांकि इससे वर्जिनिटी का कोई खतरा नहीं है। टैम्पोन लगाते समय कुछ लड़कियां हाथ नहीं धोती, मगर हाथों पर लाखों बैक्टीरिया होते हैं जो टैम्पोन के जरिए वजाइना और फिर शरीर में पहुंच सकते हैं। पीरियड्स खत्म होने के बाद या शुरू होने से पहले टैम्पोन लगा सकती हैं, लेकिन इससे वजाइना का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, जो परेशानी खड़ी कर सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि अगर गलती से टैम्पोन जमीन पर गिर जाए तो उसे इस्तेमाल ना करें बल्कि फेंक दें, नहीं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।